समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। डिंपल यादव उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर डिंपल यादव ने हिंदी में शपथ ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई है। शपथ लेने के बाद सदन से बाहर आते वक्त डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी अब संसद में महंगाई, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाएगी। जी, आने वाले समय में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी इश्यूज उठाएगी और बहुत दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल में, जहां महंगाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां महिला सुरक्षा की बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, तो और जहां युवाओं के रोजगार की और नौकरियों की दिक्कत है। तो आप देखेंगे आने समय में समाजवादी पार्टी सभी इश्यूज उठाएंगे। डिंपल यादव के साथ मौजूद अखिलेश यादव ने भी पत्रकारों से बात की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत से उत्साहित अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2024 में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ा उलटफेर करेगी। अखिलेश ने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट होगा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एक साथ नजर आएंगे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर सभी इसकी कोशिश कर रहे हैं। 2024 में बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादियों की उत्तर प्रदेश से। इस मैनपुरी के चुनाव में नेताजी के ना रहने पर लोगों ने नेताजी के काम पर, नेताजी को याद करके और नेताजी ने जो विकास किया था मैनपुरी का या जो लोगों के लिए काम किया था उसको लेकर के लोगों ने वोट दिया, और नेताजी के ने जो विरासत में हम लोगों को समाजवादी आंदोलन दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है समाजवादी आंदोलन को और कैसे और अगले 50 साल तक लेके जाएं। मैनपुरी के परिणाम ने नकारात्मक राजनीति को ठुकराया है और मैनपुरी के लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि सकारात्मक और सौहार्द की राजनीति आगे चलेगी। आदरणीय ममता जी, केसीआर साहब, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट बने, और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। मैं अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती तौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 की लड़ाई अच्छी होगी और मुझे उम्मीद है कि चरम सीमा पर जो महंगाई है, चरम सीमा पर जो बेरोजगारी है, किसान जो बर्बाद हुआ है, उसका रास्ता जनता निकालेगी और बीजेपी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।